जब हमारे पिताजी इतने त्याग किए, समाज ही उनको इतना आगे ले गया, इस समाज के लिए क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि एक इतिहास बन जाए। जिस प्रकार अर्थ से फर्श पे यानी जमीन से ऊंचाइयों पे उड़ाने का काम किए हमारे पिताजी, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान उनको स्वर्ग प्रदान करे। मैं इस आशा और विश्वास के साथ ये पार्क बनवा रहा हूँ कि कल जो हमारे परिवार को कठिनाइयाँ हुई थी, थोड़ा भी इस समाज के लिए इतना से थोड़ी बहुत हो सकता है कठिनाइयाँ समाप्त हो, किसी की बरबरात हो, कहीं पर पंचायत यहाँ करनी हो, कहीं मीटिंग करनी हो, कहीं बच्चे खेलने का जगह हो तो समाप्त हो जाए, क्योंकि गरीबी हमने देखी है। हम इतने बड़े नहीं हैं, आप लोगों के बीच से ही आप लोग हमको खिलाए पिलाए हैं, आप लोगों के प्यार से ही हम इतने बड़े हुए, लेकिन इस गरीबी को हम हमारा परिवार बखूबी जानता है। आप लोगों के बीच में रह करके भगवान करे कभी हम लोगों को बड़कपन का अनुभव न हो, आप लोग ऐसा आशीर्वाद हम तीनों भाइयों को प्रदान करेंगे। इस पार्क के लिए हम ऐलान तो नहीं करते, लेकिन ये भविष्य में हम ऐसे पार्क का निर्माण करेंगे, एक इतिहास बन जाएगा। हो सकता है यहाँ विद्या आश्रम बनाया जाए, ये चार दीवारी बना करके पीछे टीन सेट लगाने की हम लोगों की व्यवस्था चल रही है, हैंडपंप लगाने की व्यवस्था चल रही है। देखिए भगवान क्या कराते हैं, हम इन पार्क के लिए क्या कर पाते हैं ये समय बताएगा, लेकिन अगर कहीं गलती हो जाए हमसे, अपना लड़का समझकर, अपना प्यारा कुछ भी समझकर, हमें एक बार आगाह करने की आप लोग कोशिश करेंगे। दुनिया ऐसी है कि जिस प्रकार हजार रंग फूल होते हैं, हजार रंग के फूल होते हैं, हजार रंग के लोग होते हैं, लेकिन हमारे ग्राम समाज में, हमारे ग्राम सभा में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। लड़ाई झगड़ा कितना हुआ हो, लेकिन यहाँ परेशानी में हमारे ग्राम सभा के लोग कंधे से कंधा मिला करके साथ चलने का काम करते हैं। मैं, हमारा परिवार आप लोगों का सदा ही ऋणी रहेगा। आप लोगों ने ऐसी उत्सुकता दिखाई जिसकी हमें कभी भरोसा, जिसका हमें भरोसा नहीं था। आप लोगों का प्यार भगवान हमको सदैव बनाए रखे। धन्यवाद।